निकम्मी सरकार है, इन्होंने एक आम आदमी की कमर तोड़ दी है। तो संस्कार कैसे करेंगे, लकड़ियां तो महंगी हो गई हैं। लकड़ियां महंगी, हम तो पराली लाए हैं भाई, पराली के ऊपर जो जमींदार आदमी अपने खेत से पराली ला के पराली को जलाना। आप देख सकते हैं किस प्रकार से महंगाई के शव को यहाँ पर जलाया जा रहा है। तो जितने भी लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर भी अवश्य करें। हरियाणा के करनाल जिले की तो आप देख सकते हैं, ये बड़ी खबर है हरियाणा के करनाल जिले की, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से महंगाई के शव को यहां पर फूंकते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेसी जो कार्यकर्ता हैं उनकी यहां पर मौजूदगी देखी जा रही है। तो जितने भी लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर भी अवश्य करें। हरियाणा के करनाल जिले की ये तस्वीरें हैं, महंगाई बढ़ रही है और ऐसे में आप ये देख सकते हैं कि जो महंगाई का जनाजा है वो फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं वो फूंका जा रहा है। तो जितने भी लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को आप शेयर भी अवश्य करें। और जो तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, उनकी भी यहाँ पर मौजूदगी देखी जा रही है। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को शेयर करें। इस विषय में कांग्रेसी कार्यकर्ता क्या कहते हैं वो भी हम आपको जरूर सुनवाएंगे। फिलहाल आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक जो जबरदस्त रोष है वो यहाँ पर देखा जा रहा है। जिला सचिवालय के ठीक सामने की ये तस्वीरें हैं। जी हाँ, जिला सचिवालय के ठीक सामने की ये तस्वीरें हैं और आप ये देख सकते हैं कि जो महंगाई का पुतला है वो फिलहाल यहाँ पर फूका गया। और इस विषय में कांग्रेसी कार्यकर्ता क्या कहते हैं वो भी, उनकी भी हम आपसे जरूर बात करवाएंगे। फिलहाल इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हरियाणा के करनाल जिले की ये तस्वीरें हैं और आप ये साफ तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक जबरदस्त रोष यहाँ पर देखा जा रहा है। जी हाँ, जबरदस्त रोष यहाँ पर जरूर ये देखा जा रहा है। और किस प्रकार से खाली बोतलें गले में टांग कर एक विरोध जताया गया। विरोध इसलिए जताया गया क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से तेल नहीं मिल रहा था, सरसों का तेल नहीं मिल रहा था। और आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से फिलहाल एक जबरदस्त रोष कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा जरूर देखा जा रहा है। तो जितने भी लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पेट्रोल, गैस, तेल, सब्जियां, सीमेंट, सरिया सब कुछ इतना महंगा हो गया। जब सरकार ये कहती थी, अच्छा, और इनके लीडर ये कहते थे भाई सिलेंडर का रेट 50 रुपये होगा, 50 रुपये कम करेंगे, उल्टा 1000 का हो गया। पेट्रोल डीजल का वो बाबा रामदेव कहता था 35 रुपये लीटर होगा, तो 100 रुपये लीटर हो गया। आज गरीब का स्कूलों में फीस भी भरी जा रही गरीबी की वजह से। आज महंगाई के खिलाफ तो 3 काले कृषि कानून जो वापस लिए हैं, MSP की गारंटी बननी चाहिए, उसके लिए हम आज ज्ञापन देंगे। तो आज किसका मतलब होगा गया? हाँ जी, किसका मतलब होगा गया आज? ये हमने महंगाई का और नरेंद्र मोदी का हर महीने गरीब परिवार को दिया जाता था। महंगाई जितनी पिछले दिनों में बढ़ी है, इतनी हाहाकार हिंदुस्तान में गरीब आदमी की पैसे की आमदनी बढ़ी, लेकिन इतनी ज्यादा महंगाई बढ़ी है कि जिसका हम अभी कुछ अंदाजा लगा सकते हैं, गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो गया हुआ। आपको लगता है गरीब सरकार के विरोध के बाद अब कहीं ना कहीं कुछ आगे महंगाई कम हो सकती है? देखिए, एजुकेशन करना हमारा फर्ज है, सरकार को जताना हमारा फर्ज है। हम आंखें बंद करके कांग्रेस नहीं सुनना चाहती, हम अपना ड्यूटी का निर्वाह कर रहे हैं, क्योंकि सरकार एक साल लगातार एजुकेशन के बाद जाकर 3 काले कानून वापस लिए हैं। इस हिसाब जा रहा है कि हिंदुस्तान के लोगों पे हमें महंगाई के खिलाफ सड़कों पे आना पड़ेगा ताकि महंगाई पे अंकुश लगे। महंगाई के लिए कांग्रेस लगातार प्रदर्शन करती हुई नजर आती है, लेकिन महंगाई बदस्तूर जारी है और लगातार बढ़ती जा रही है, क्या कहना चाहिए? देखिए, हमारी हम जो अपनी ड्यूटी है उसका निर्वाह कर रहे हैं। ये भीम मेहता जी हैं, पूर्व मंत्री हमारे, ये बीच में जी। भीम जी, क्या कहना चाहेंगे सर आप? इतनी ज्यादा महंगाई बढ़ चुकी है, कांग्रेस लगातार प्रदर्शन करती है, लेकिन उसके बाद भी जो है महंगाई लगातार ही अपना जो है पूरी की पूरी ऊपर बढ़ रही है, क्या कहना चाहेंगे? महंगाई पे कंट्रोल करना तो सरकार का काम है जी। हमारी पार्टी आज विपक्ष में है, जो विपक्ष की भूमिका है वो हम लगातार निभा रहे हैं।
जो जो भी बात होती है, चाहे वो जन विरोधी इनके फैसले होते हैं, उनको भी हम सड़कों पर लाते हैं और लोगों के बीच में लाकर हम सिर्फ उनको सरकार तक पहुंचाते हैं। जागना ना जागना वो सरकार का काम है। तो आज आप गरीब परिवारों को सरसों का तेल मिलता था, जो सरकार ने बंद कर दिया है, तेल का कीमत आसमान में छू रही, इस पर क्या कहना चाहोगे? सरसों का तेल नहीं है, एक सरसों का तेल नहीं, खाने की जो भी चीजें हैं, चाहे डाले हैं चाहे कोई भी चीजें हैं, आज सारी महंगाई जो है उनकी पूरे चरम सीमा पर है। जो डिपो मिलता है गरीब परिवार को, बंद कर दिया गया, वो मिलना चाहिए था, वो मिलना जो किया बंद किया, वो ठीक नहीं किया। फिलहाल आप ये देख सकते हैं, अपनी बात जरूर सामने रखी है, तो जितने भी लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर भी अवश्य करें। आप ये साफ तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से जिला सचिवालय के ठीक सामने जो महंगाई का पुतला है वो यहाँ पर जरूर फूका है। अब ये बात देखने वाली होगी कि इस प्रकार का जब विपक्ष विरोध करता है तो केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार कितना इस विरोध को देखती है, क्या वाकई ही इस प्रकार के प्रोटेस्ट के बाद या इस प्रकार के विरोध के बाद महंगाई कम होती है या नहीं। ये अपडेट आपको देते रहेंगे, बने रहेगा करना।